चलिए मिड कैप में कहां पर एक्शन है ये देख लेते हैं। टॉप गेनर्स आप देखेंगे मजगांव डॉक, राइट्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड, केआरबीएल, इंडिको पेंट्स जैसे स्टॉक्स हैं, जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के बीच हरे निशान पर ट्रेड्स हैं। 5 से लेकर 7% तक की तेजी इन स्टॉक्स में आज के सत्र में देखी जा चुकी है। बिकवाली का दबाव जेएसडब्ल्यू एनर्जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, गुजरात एल्कलीज, नालको जैसे स्टॉक्स में नजर आ रहा है। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज इनफैक्ट पूरा आईटी पैक ही अगर देख लें, टीसीएस के नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही आते हुए दिखे, लेकिन बावजूद इसके हम देख रहे हैं आईटी स्पेस जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रेस्टोरेंट्स से जुड़े स्टॉक्स जो हैं उनमें एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया देख लीजिए, सफायर फूड्स देख लीजिए, जुबिलियंट फूड, दिव्यानी इंटरनेशनल, ये तमाम स्टॉक्स जो हैं बिकवाली के साथ ही 1.5 से लेकर 3.5% तक की कमजोरी पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इस बीच फर्टिलाइजर शेयर्स में भी आज हम देख रहे हैं मूवमेंट जो है कम ही नजर आ रही है। फर्टिलाइजर से जुड़े स्टॉक्स जैसे कि मैंगलोर केमिकल्स, आरसीएफ, जीएसएफसी, नागार्जुना फर्टिलाइजर, इन तमाम स्टॉक्स में 2 से लेकर 5% तक की कमजोरी देखी जा रही है। बिकवाली का दबाव भारी यहाँ पर बनता हुआ देखने को मिला है। तो कुछ तमाम स्टॉक्स को अगर छोड़ देंगे आज मिड कैप स्पेस में भी एक्शन जो है कम ही नजर आ रहा है। मजगांव डॉक, मानस यहाँ पर अपनी राय दीजिए, मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग है, यहाँ पर अच्छी तेजी के बीच ट्रेड नजर आ रहे हैं, आपकी राय क्या होगी? 6-7 सेशन से हमने मजगांव डॉक में काफी बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट देखा है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, हाई टॉप शायद बॉटम्स का ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि स्टॉक ने अपने जो 2021 के हाईस थे, नवंबर के हाईस थे, उसके ऊपर अब स्टॉक निकल गया है। मेरा समझना है कि ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी कम से कम 400-410 के स्तर तक, बट ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज कर लेना है। तो स्टॉप लॉस रिवाइज करके 295 कर ले, पोजिशन में बने रहे, फ्रेश खरीदारी के लिए शायद आई थिंक थोड़ा करेक्शन हो जाए तो ज्यादा बेहतर लेवल्स रहेंगे। ओके, ये राय आपको मजगांव डॉक पर मिलती हुई। मिड कैप स्पेस में कई सारे काउंटर्स हैं जिसमें आज हम देख रहे हैं कमजोरी है, लेकिन कुछ और स्पेस जहां पर मिड कैप में ही कुछ और स्टॉक्स जहां पर तेजी है, वरुण बेवरेजेस का स्टॉक देख लीजिए, यहां पर करीब 2% की बढ़त के साथ ट्रेड्स नजर आ रहे हैं आज के सत्र में। इस स्टॉक में तेजी है और पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड्स भी अगर देखें यहां पर स्टॉक ने मूवमेंट जरूर दिखाई है। वरुण बेवरेजेस 973 के लेवल्स पर आपको कैसा लग रहा है? कुछ और स्टॉक्स हैं जो इन्हीं के साथ ट्रेड करते हुए जैसे हैडसन एग्रो, जाइडस वेलनेस, केआरबीएल, यहाँ पर भी जो ट्रेड्स नजर आ रहे हैं, क्या इनमें से कोई स्टॉक है मानस जो आप पिक कर सकते हैं? हैडसन है, हम देख रहे हैं 1060 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, जाइडस वेलनेस भी है। जैसे केआरबीएल पे मेरी नजर है, केआरबीएल मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो काफी समय के बाद स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, हाई टॉप शायद बॉटम का ट्रेंड है। मेरा समझना है कि यहाँ पर 260-265 तक की तेजी देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर बिल्कुल खरीदारी करके चलनी है। 234 के नीचे स्टॉप लॉस रखें, 260-65 के टारगेट सेट करें। ओके, तो क्लियरली ये राय आपको 265 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखे जा सकते हैं केआरबीएल में। इसके अलावा कुछ खबरें जिसके चलते मिड कैप स्पेस में फोकस है, एबी कैपिटल पर एक खबर आती हुई दिखी है, यहाँ पर लैंडिंग बुक में सालाना 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, और आपको बता दें कि इन बुक में अब तक जो बढ़ोतरी है वो अच्छी खासी देखी जा चुकी है, करीब 66,900 करोड़ के यहाँ पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्लियरली एक खबर है जिसके चलते हम देख रहे हैं 0.5% तक की बढ़त एबी कैपिटल के स्टॉक प्राइस में आप देख रहे हैं। इसके अलावा अलम्बिक फार्मा अगर देखेंगे, यहाँ पर कंपनी की एक दवाई को USFDA से मंजूरी मिलती हुई दिखी है और इसी के चलते फोकस में है। ऑफकोर्स इसका एक इम्पैक्ट है जो कि स्टॉक पर अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन USFDA अप्रूवल है जो कि एक न्यूज़ है। सनटेक रियल्टी Q4 FY22 में करीब 503 करोड़ के प्री सेल्स के आंकड़े यहां पर आते हुए दिखे हैं। सारी की सारी रियल एस्टेट स्पेस की जो कंपनियां हैं इनके Q4 अपडेट्स, ऑपरेशनल अपडेट्स आते हुए दिखे हैं, और ये अपडेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव भी देखने को मिले हैं। मैक्रोटेक आपको याद होगा अच्छी तेजी के बीच कामकाज भी कर रहा था, इनके अपडेट्स भी काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे हैं। ऑफकोर्स शोभा लिमिटेड के मिले जुले अपडेट्स यहाँ पर नजर आते हुए हमने देखे थे। Q4 के सनटेक के जो अपडेट्स हैं उसके भी प्री सेल्स के आंकड़े हमारे सामने हैं। स्टॉक रिएक्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन 479-480 के लेवल्स पर मानस अगर इस पर एक टेक्निकल चार्ट चेक आप दे पाए। जहां तक बात है, स्टॉक ने बेस तो डेफिनेटली बनाया है 420 के आसपास, लेकिन देखिए रिवर्सल के लिए, बड़े रिवर्सल के लिए स्टॉक को 505-510 के ऊपर निकलना बहुत जरूरी है।
उसके ऊपर के लेवल्स अगर देखने को मिले, उसके ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिले, तो आप बिल्कुल खरीदारी करके चलिए, क्योंकि उसके बाद तो शायद आपको 600 तक के भाव भी देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए 460 के स्टॉप लॉस से, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय 510 रुपए के ऊपर रहेगी। ठीक है, तो सनटेक पर ये राय मिलती हुई। इसके अलावा मानस, अगर रियल एस्टेट पैक पर आप अपना नजरिया देना चाहें। बहुत मिक्स व्यूज आज देखने को मिल रहे हैं, जहां पर ओबराय रियल्टी जैसा स्टॉक काफी स्ट्रांग दिखता है, हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड दिखता है। कल भी हमने काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखा वहां पर। अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज देखिए, तो उसने स्टॉक ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया है, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया है, डीएलएफ पे कंसोलिडेशन दिखता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको रियल्टी स्पेस में ट्रेड करना है, तो आपको बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड करना पड़ेगा। मेरे मेरे हिसाब से अगर खरीदारी करनी है, तो डेफिनेटली ओबराय रियल्टी की तरफ देखा जा सकता है। 950 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 1050 के टारगेट के लिए। ओके, ये राय ओबरॉय रियलिटी पर 1050 तक के जाता हुआ दिख सकता है। 985 के लेवल्स पर ये ट्रेड कर रहा है। अब करीब 2% तक की गिरावट आज के सत्र में है। गिरावट में खरीदारी का अच्छा मौका यहाँ पर बनता हुआ हम देख रहे हैं। इस बीच मानस, फार्मा स्पेस भी लगातार फोकस में है। ऑफकोर्स एसेंशियल मेडिसिन की जो खबर आती हुई दिखी है, एसेंशियल मेडिसिन की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर के बाद हमने देखा है यहाँ पर फार्मा स्पेस एक मूवमेंट भी दिखा रहा था। USFDA से एलेम्बिक फार्मा को अप्रूवल मिलते हुए दिखे हैं। कुछ फार्मा स्पेस से जुड़ी आज फोकस में भी रही। फार्मास्यूटिकल इंडेक्स में कोई पर्टिकुलर स्टॉक या फिर अलेम्बिक फार्मा में मिड कैप में आप कोई राय देना चाहें? देखिए, एलेम्बिक फार्मा में हाई लेवल पे रेजिस्टेंस दिखता है, 780 के ऊपर स्टॉक निकले तभी यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और अगर आप लोअर साइड पे देखिए, तो 750 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अपनी पोजीशन में 750 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, लेकिन खरीदारी केवल 780 के ऊपर करनी है। इस क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि टोरेंट फार्मा पे नजर रखनी है। अभी मैं खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ब्रेकआउट के बहुत करीब है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं आज। तो आप उम्मीद करिए कि अगर ये 2879 2880 के ऊपर निकलेगा, तब एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, और उसके उसमें शायद 3075 तक के स्तर भी देखने को मिल जाए। तो टोरेंट पावर में नजर रखिए, स्टॉप लॉस आपको 2800 के नीचे लगाना पड़ेगा। तो 2880 के ऊपर खरीदारी करिए, 2800 के स्टॉप लॉस से 3075 के टारगेट के लिए। ओके, 3075 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर आप चल सकते हैं। 2836 के लेवल्स पर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बार गिरावट में खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढे जा सकते हैं। टोरेंट फार्मा का स्टॉक देख लीजिए, 3075।